शोरूम दिखाते हैं आपको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे में गाइज। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, एकदम से माइंड से उतर गया यार आज का व्लॉग, क्योंकि भैया के सुबह सुबह मेरे पास जल्दी कॉल आ गया था 8 बजे के करीब कि भाई 9 बजे तक तेरे को घर आना है, कुछ एक दो काम है और वो फटाफट तेरे को करने हैं और फिर दादू दादी को लेने जाना है, 1 बजे तक मेरे को गुड़गांव पहुँचना है। तो फिर मैं फटाफट नहा धो के भैया के घर आया और अभी उन्होंने मेरे को काम बताया था, जो उनकी कोई होंडा कार है तो उसमें थोड़ा काम है, वो एजेंसी पे जा रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला क्लासिक होंडा पे मैं गया भी था लेकिन वो दूसरा क्लासिक होंडा है, मुझे जाना है NHPC। तो अभी मैं फटाफट जा रहा हूँ, मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया यार, 1 घंटा 1 आवर। तो फटाफट मैं क्लासिक होंडा पहुँच रहा हूँ क्योंकि 10 तो बज गए, यहाँ से 12 बजे के करीब तो मैं निकलूँगा, 1 बजे पहुँच जाऊँगा। तो ये फटाफट मैं जा रहा हूँ क्लासिक होंडा शोरूम। तो भाई फाइनली हम क्लासिक होंडा शोरूम पहुंच गए। देखो अब यहाँ फटाफट हम पूछते हैं। तो भाई अभी एक मैम से बात हुई है जो रिसेप्शन पे होती है, तो वो बोल रही है अभी 10-15 मिनट बैठो, एडवाइज़र भैया आ रहे हैं, जो लास्ट टाइम थे वो तो आज शायद ऑफ ले रखा उन्होंने, बाकी भी दूसरे एडवाइज़र आएंगे तो उनसे हमें मिलवाएंगे, फिर मैं बताता हूँ गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ बैठ के। शोरूम दिखाते हैं आपको, गाड़ियाँ भाई ये कौन सी है, होंडा सिटी। तो भाई भाई सर भैया से अभी मेरी बात हुई है और इन्होंने गाड़ी देख ली है और पार्ट भी अवेलेबल है, तो अभी हम लगवा रहे हैं, बाकी थोड़ा सा उसमें डेंट का भी कुछ काम है। तो भैया कह रहे हैं मैं डेंटर से पूछ लेता हूँ और अगर होता होगा विदाउट ज़्यादा कुछ के तो वो लगवा देंगे अभी पार्ट को, नहीं तो फिर देखते हैं भाई। अभी भैया डेंटर के पास जा रहे हैं यार, मैं लेट ना हो जाऊँ गुड़गांव के लिए, अभी तक तो डेंटर मिला नहीं भैया को। तो भाई वो पार्ट यहाँ पे तो लगेगा नहीं क्योंकि डेंटर भैया बोल रहे हैं वो थोड़ा सा आगे से बैंड हो रहा है, तो वो रिपेयर करा के लाओ क्योंकि तो वहाँ पे लॉक लगेगा नहीं। फिर अभी मैंने बोला भैया पार्ट दे दो आप मुझे और हम अपने जो भी पेंटर भैया उनसे लगवा लेंगे, तो अभी मैं पार्ट ले रहा हूँ। तो भाई शोरूम से सारा काम हो गया, पार्ट हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं फटाफट भैया के घर। टाइम भी हो गया 12:15, तो 12 बजे निकलूँगा तो आराम आराम से अपना 1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा गुड़गांव। तो अभी चलते हैं फटाफट भैया के घर। भाई भैया के घर पहुँच गए थे, अभी उठाइए फॉर्चुनर, आप चल रहे हैं गुड़गांव के लिए। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ से दादू दादी को पिकअप करना है उनके फ्रेंड के घर। बहुत हाई फाई सोसाइटी है भाई, आई थिंक मे बी गुड़गांव का सबसे पॉश एरिया है ये, जो अपना अरावलिया मंगोलिया ये है ना, देखना बिल्डिंग है ये, देखो भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये तेरी, बहुत पॉश एरिया है। सारी डिफेंडर है मेरे साथ में, फिर इधर मर्सिडीज़ है, मतलब सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। तो भाई अभी हम घर पहुँच गए हैं और मैंने दादू दादी को यहाँ पे छोड़ दिया है, अभी थोड़ा इस गाड़ी में इनसे कहीं लग वग गई थी, तो अभी भैया के पास जा रहे हैं थोड़ा सा गाड़ी दिखाने। और यार भूख लग रही है, मतलब भूख क्या लग रही है, भूख तो लग के मर भी गई, सर में दर्द हो रहा बहुत तेज यार, खाने तक कभी टाइम नहीं मिलता यार। अब जाऊँ फटाफट दिखा के लाऊँ गाड़ी, क्या बोलते हैं फिर मैं खाऊँगा कुछ। तो गाइज अभी बज रहे हैं 5:15 और हम पहुंचे हैं अब घर पे, भैया के घर का सारा काम करवा के फिर मैं मिसिस को लेके रास्ते से ही और अब घर पहुंचा हूँ। धीरज है नहीं और हम लेके आए थे रोल, बट वो है नहीं, शायद वो गया है क्रिकेट खेलने और मम्मी पापा भी दिन में ही जा चुके हैं, तो अभी मैं और मिसिस है बस घर पे। सो गाइस अभी बज गया 8:15
और हम कंफ्यूज हो रहे हैं आज खाने में क्या बनाएं। बाहर से को पता तो नहीं, तो मैं कह रहा हूँ बाहर से सब्जी ले आएंगे। है क्या बोलते हो दोनों भाई? हम अभी देख रहे हैं नागिन, जैसे तुम्हें ठीक लगे तब अभी देखते हैं। प्लानिंग चल रही है बाहर से लाएं या घर पे बनाएं, तो अभी हम नागिन देख रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है और अब इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे कल के नए व्लॉग में। सो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए, और व्लॉग पसंद आए तो जल्दी से व्लॉग को लाइक करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। ओके बाय, गुड नाइट।